नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कुछ सवाल हल करेंगे और देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि कैसे हल की जाती है। तो इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया है। पहला इसको समीकरण एक ले लेते हैं, इसको दो। इसमें से किसी भी समीकरण को लेकर शुरू किया जा सकता है। हम पहले समीकरण को लेकर ही शुरू करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। देखिए समीकरण एक से, तो समीकरण एक लिख लेते हैं। यहाँ पर हम x प्लस वाई बराबर 14, इसमें से किसी भी एक चर को प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो इसमें x कर सकते हैं चाहे y को कर सकते हैं। तो हम x को यहीं रख के y को प्रतिस्थापित करते हैं, तो 14 माइनस, ये प्लस वाई है तो माइनस वाई हो जाएगा, और इसको समीकरण तीन डाल देंगे। ठीक, ये हो गया, x का वैल्यू आ गया। अब लिखेंगे x का मान, जो ये अपना x का मान जो आया है, इसको समीकरण दो में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर। तो क्या करेंगे, पहला दूसरा समीकरण पहले लिख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ भी x अपने को दिखाई देगा, वहाँ पर x की वैल्यू जो है वो हम रख देंगे। तो x की वैल्यू 14 माइनस वाई यहाँ रखेंगे, तो 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई है, माइनस वाई बराबर 4, ये हो जाएगा, ये अंक पक्षांतर हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई वाई माइनस 2y बराबर, ये 4, ये प्लस में होता है यहाँ पर, ये प्लस में है, इधर पक्षांतर होगा तो माइनस 14 माइनस 2y बराबर, ये 4 में 14, ठीक ना, 4 माइनस, छोटे संख्या से बड़ी संख्या जब घटाते हैं तो माइनस का सिंबल लगता है, और घटता 14 में ही 4 है, तो ये 10 हो जाएगा। अब चूंकि ये गुणे में है, तो गुणे में तो आगे पक्षांतर होगा तो भाग में हो जाएगा, माइनस 10 बटे माइनस 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये आ गया y का मान। इस y के मान को समीकरण तीन में रख देंगे तो x का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसको रखते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण तीन में प्रतिस्थापित करने पर, तो इस समीकरण तीन को यहाँ पर लिख लेते हैं। x बराबर 14 माइनस वाई, वाई की वैल्यू जो भी आई यहाँ रख देंगे, 5 आई है, माइनस 5, x की वैल्यू 9। देखिए x और y कितने हम लोग अतः एक जगह लिख देते हैं, अतः x बराबर 9, y बराबर 5, ठीक ना। तो ऐसे लिखा जाता है, ये रहा पहला क्वेश्चन। फिर हम लोग भी दूसरा क्वेश्चन भी नोट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 7x माइनस 15y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 3, इसको समीकरण एक लिख लेते हैं, इसको समीकरण दो लिख लेते हैं। अब जैसे पहले वाले क्वेश्चन को हल किया है, इसी तरह पहले समीकरण को ले लेंगे, इसमें से किसी एक चर को दूसरे के चर के रूप में लिख लेंगे, फिर उसका मान रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, x 7x माइनस 15y बराबर 2, ये हो गया 7x बराबर 2, ये माइनस 15y है, पक्षांतर होगा तो प्लस 15y, और x का मान ये गुणे में है तो ये आगे पक्षांतर होगा तो भाग में जाएगा। तो लिखेंगे 2 प्लस 15y बटे 7, समीकरण 3।
है ना। अब इस पहले वाले क्वेश्चन के बाकी भाग को हम मिटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। फिर लिखते हैं वही x का मान समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर, अगर प्रतिस्थापित नहीं लिखना का हो आप लिख सकते हैं x का मान समीकरण दो में रखने पर, लिख लेते हैं इसको x प्लस टू वाई बराबर थ्री। x का मान ये है, इसको यहाँ रख देंगे पूरा, लिखेंगे टू प्लस फिफ्टीन वाई बटे सात प्लस टू वाई बराबर तीन। इसका लघुत्तम ले लेंगे तो जब इसके बटे में कुछ नहीं होता है तो इसका सीधे से तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो जाएगा टू प्लस फिफ्टीन वाई प्लस सात दूनी चौदह वाई बटे सात बराबर तीन। ये वाई वाई इसको हल कर लेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पर टू प्लस चौदह दूनी अट्ठाईस एक उनतीस वाई बटे सात बराबर तीन। अब इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, किसी भी संख्या में x का गुणा करने पर वही संख्या वापस प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसका एक का गुणा करने पर लिखेंगे टू प्लस ट्वेंटी नाइन वाई इक्वल टू सात त्रिक इक्कीस, तो ट्वेंटी नाइन वाई बराबर इक्कीस। दो को इधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस टू ट्वेंटी नाइन वाई बराबर उन्नीस, वाई बराबर उन्नीस बटे उनतीस। ये वाई का मान आ गया, जब वाई का मान आ गया तो वाई का मान को समीकरण तीन में रख देंगे तो एक्स का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे वाई का मान समीकरण तीन में रखने पर लिख सकते हैं या प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर लिख लेते हैं इसको x बराबर टू प्लस फिफ्टीन गुणे y का मान, ये रखा ये लिख लेते हैं यहाँ पर सेवन, इसका गुणा कर लेते हैं उन्नीस पचे पंचानवे हासिल नौ, उन्नीस से कम उन्नीस, नौ नौ अठारह, उन्नीस पचे पंचानवे, उन्नीस से कम उन्नीस, नौ नौ अठारह बटे उनतीस बटे सात। यहाँ लिख देते हैं हम, टू प्लस टू एट्टी फाइव, यहाँ से तिर्यक गुणा कर ले रहे हैं तो उनतीस दूनी अट्ठावन लिख ले रहे हैं बटे उनतीस, और ये मेन बटा ये सात है, यहाँ लिखते हैं इसको, ठीक ना, इसको जोड़ लेंगे आठ पाँच तेरह हासिल एक, आठ पाँच तेरह एक चौदह, दो और एक तीन बटे उनतीस, और ये मेन बटा सात। इसको भी हल कैसे करते हैं, ये इस मेन बटा के ऊपर में बटा है तो ये चीज़ ये नीचे चलाता है, ठीक ना, थ्री फोर थ्री बटे सात गुणे उनतीस, ये सात के पणा से कट जाएगा, सात एक कम सात, सात चौक अट्ठाईस, सात नवा तिरसठ, तो आंसर अपना आया उनचास बटे उनतीस। इसको भी दोनों को आंसर को एक संग लिख लेंगे, अतः x बराबर उनचास बटे उनतीस एवं y बराबर उन्नीस बटे उनतीस, ये अपना दोनों x और y का मान ज्ञात होगा। इसी पर एक क्वेश्चन अंतिम एक और करेंगे जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, तो तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। थ्री एक्स बटे दो माइनस फाइव वाई बटे तीन बराबर माइनस दो, और
यक्स बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 13/6। इनको हाँ इसका पहले हल कर लेंगे तो लघुत्तम ले लेंगे। तो इसका लघुत्तम जब कैसे कर लेते हैं, इसको पहले हल कर रहे हैं। 3 त्रिकाई 9, 5 दूनी 10 बटे 3 दूनी 6 बराबर -2। फिर इसका तीन गुणा कर लेंगे तो एक गुणा करने पर यही चीज़ वापस आ जाएगी, 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12। ये सरल हो गया तो इसको सरल समीकरण एक डाल लेंगे। इसी प्रकार इसको भी हल कर लेंगे। तो देखिए लघुत्तम इनका लघुत्तम ही ले रहे हैं, मगर जब लघुत्तम में दो अभाज्य संख्या हो, जैसे 2 और 3 था, 2 और 3 है, तो इसका सीधे तिरछा तिरछा गुणा भी कर लेते हैं। डायरेक्ट कर इसी तरह करते हैं, 2x अगर ये अलग अलग होता, 2 और 4 होता तो लघुत्तम लिए होते इसका, मगर ये अभाज्य संख्या है तो इसका सीधे तिरछा गुणा कर ले रहे हैं। 2x प्लस 3y बटे 3 दूनी 6 बराबर 13/6। दोनों की तरफ 6 6 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या समीकरण बनेगा, 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 2। अब जैसे पहले और क्वेश्चन की तरह किए थे, इसको भी हल कर लेते हैं। समीकरण एक से किसी एक चर का ज्ञात मान ज्ञात करेंगे, या कह सकते हैं किसी एक चर को दूसरे के चर के रूप में व्यक्त कर लेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 से ये रहा समीकरण, इसको लिख लेते हैं, 9x माइनस 12, देखिए इसको हम पक्षांतर कर दे रहे हैं, प्लस 10y। ठीक, अब फिर x 9 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, भाग में चला जाएगा, -12 प्लस 10y बटे 9। ये हो गया समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर लेंगे, लिखते हैं x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक ना, समीकरण 2 लिख लेते हैं, 2x के स्थान पे यही रख देते हैं, ये रहा x का मान, ये चीज -12 प्लस 10y बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। ठीक ना, अगर ये कैंसिल होता कटता तो काट देते, मगर 2 और 9 नहीं कटेगा, इसलिए इस 2 गुणा दोनों पद में हल करेंगे। 12 दूनी 24, 10 दूनी 20 वाई बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। इसका लघुत्तम लेंगे, इसके बटे में 1 है तो इसका लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं, सीधे डायरेक्ट इसका गुणा कर लिया जाता है, -24 प्लस 20y 9 3 27, ये पूरे के बटे 9 हो जाएगा बराबर 13। -24 इसको हल कर लेंगे, 20 27 47 बटे 9 बराबर 13, इसके बटे करके तिरे गुणा कर लेंगे तो आएगा ये -24 प्लस 47y बराबर 13 9 117, 47y बराबर 117 प्लस 24, ये -24 -24 पक्षांतर हुआ तो +24, 47y बराबर, इसको जोड़ लेंगे, 7 4 11, 2 3 1 4 1, 141/47। ये 47 के पाड़ा में 3 बार में कट जाएगा, y बराबर 3, इस y करके y बराबर 3 को समीकरण 3 में रख देंगे तो इससे x का भी मान ज्ञात हो जाएगा। देखते हैं, लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में
प्रतिस्थापित करने पर, तो y ये रहा समीकरण तीन, इसको लिख लेते हैं x बराबर माइनस वाई प्लस दस टेन गुड़े y का मान तीन बटे नौ, माइनस वाई तीस बटे नौ, तीस में बारह गया अठारह बटे नौ, नौ एकम नौ दूनी अठारह, x बराबर दो। अतः x और y का मान आ गया दोनों, इसको एक संग लिख लेते हैं, यही अपना अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। अतः x बराबर दो एवं y बराबर तीन। इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से तीन क्वेश्चन हमने हल किया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम विलोपन विधि से हल करेंगे।